सनी देओल वर्सेस संजय दत्त। 80 और 90 के दशक में दोनों ही बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर थे। सनी देओल की एज 66 हो चुकी है तो वहीं संजय दत्त की 863 है। सनी देओल ने 1983 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। तो वहीं संजय दत्त ने रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इनकी भी ये पहली फिल्म बहुत सुपरहिट रही। सनी देओल की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो घायल, डर, दामिनी, बॉर्डर, जिद और गदर तो अलग ही लेवल पर हिट हुई थी। ऐसी ही कई फिल्में शामिल है। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो खलनायक, रॉकी, मुन्ना भाई MBBS, साजन, नाम और KGF टूटो ब्लॉकबस्टर रही। सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर में 85 फिल्मों में काम किया जिनमें से 41 फिल्में फ्लॉप रही। तो वहीं संजय दत्त ने 135 फिल्मों में काम किया और 60 फिल्में फ्लॉप रही। सनी देओल एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते हैं जबकि संजय दत्त एक फिल्म के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सनी देओल की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है जबकि संजय दत्त 12th पास आउट है। सनी देओल की नेटवर्थ की बात करें तो 16 मिलियन है जबकि संजय दत्त की नेटवर्थ 21 मिलियन है। वैसे आपको बेस्ट कौन लगते हैं?